तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और मज़े मार रहे होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरी एक और नई GTS एंड्रॉयड के मोड की वीडियो में। तो भाई लोग, आज की वीडियो एक बिल्कुल ही अमेजिंग और बिल्कुल ही ख़तरनाक होने वाली है, जो कि आपकी GTS एंड्रॉयड को बना देगी बिल्कुल मस्त और रियलिस्टिक। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिएगा, अभी आपको काफ़ी कुछ देखना बाकी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको दोस्तों मिलने वाला है GTS से एंड्रॉयड के लिए डायरेक्ट टेक्स 2.0 का मोड। तो मतलब उसमें आपको HD रोड्स के रिफ्लेक्शन मिलने वाले हैं, HD कार रिफ्लेक्शन मिलने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक मिलने वाले हैं। तो आपको उसका रिव्यू और गेम प्ले अभी आगे मिल जाएगा, तो आप वीडियो के साथ बनी रहिएगा। और उसके अंदर आपको और भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। डायरेक्ट टेक्स 2.0 का जो मोड है वो आपके ग्राफिक्स को बिल्कुल ही चेंज कर देगा, बिल्कुल ही रियलिस्टिक बना देगा, जिससे आपको अपने GTS एंड्रॉयड को खेलने में बिल्कुल मज़ा आएगा। तो और आपको कार्स भी बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन के साथ मिलने वाली है, पर आपकी जो कार का मोड होना चाहिए वो भी बिल्कुल हाई रिफ्लेक्शन वाला होना चाहिए। तो भाई लोग आगे अब गेम प्ले चलने वाला है। गेम प्ले खत्म होने के बाद आपको मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा, तो इंस्टॉलेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और गेम प्ले खत्म होने के बाद वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी में आपको बताऊंगा कि आपका अगर लैग होगा तो कैसे ठीक होगा, अगर इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अब आप गेम प्ले को बिल्कुल मजे से देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको मोड? लगा ना बिल्कुल मस्त? तो भाई लोग, इसकी इंस्टॉलेशन भी आपको बहुत ही इजी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल लेना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फाइल बिना पासवर्ड की मिलेगी, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको दो फोल्डर मिलेंगे, वहाँ पर एक TXD फोल्डर होगा, और उसको आपको TXD फोल्डर को ओपन करके वहाँ पर आपको तीन फाइल्स को रीनेम करना होगा अपने GPU के अकॉर्डिंग, जो कि जैसे कि आपका GPU अगर मान ली है तो ETC करना है, पावर VR है तो PVR लिखना है, और अगर एड्रेनो है तो DXT लिखना है। उसके बाद बस आपको अपनी फाइल को कट करके अपने एंड्रॉयड में डाटा में पेस्ट कर देना है, अप्लाई टू ऑल फाइल्स करके ओवरराइट करके रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपकी गेम बिल्कुल झक्कास चलेगी, और अगर लैग होती है तो आप बस अपना रेजोल्यूशन और अपना ड्रॉ डिस्टेंस और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब लो कर लीजिएगा, और आपके लैग बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो भाई लोग, आज का वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, बाय।